प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव और वक्त हो चुका है प्राइम के शतक का। आज रिटायर हो रहे सीजीआई एनवी रमना, विदाई समारोह में बोले दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का अनुभव सुप्रीम हाई कोर्ट में काम आ रहा है। शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना, शिवसेना ने अलकायदा से की ऑपरेशन लोटस की तुलना, सामना में बीजेपी पर खूब बरसी। विदेश मंत्रालय ने भारत अमेरिका सैन्याभ्यास पर चीन की आपत्ति को किया खारिज का, एलएसी पर शांति जरूरी। पूर्व वित्त मंत्री भी विजिलेंस रडार पर, गेहूं धान ढुलाई में फर्जी कंपनियों का आरोप, भगवंत मान को मनप्रीत बादल की राजनीति में लाएं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा गुरुवार को कहा कांग्रेस को मजबूर बनाने का काम कर रहा है जी 23, सुधारों की बात की तो क्या गलत है। एक तरफा प्यार में महिला पर हमला, नासिक में हमलावर ने धारदार हथियार से कई बार अटैक किए, सीसीटीवी में कैद वारदात। मूसेवाला के लिए कैंडल मार्च, पिता की तीन मांगे सिक्योरिटी वापस और पंजाब इंडस्ट्री गैंगस्टर लीग की जांच हो। कोटकपुरा गोलीकांड में सुखबीर बादल तलब, एसआईटी ने 3 अगस्त को बुलाया, अकाली प्रधान बोले एसडीएम ने ऑर्डर दिए थे, मैं डरता नहीं। अग्निवीर पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई, योजना पर तत्काल रोक लगाने से कोर्ट का इनकार, केंद्र को नोटिस भेजा। मिशन 2024 में जुटे पंजाब भाजपा, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं के साथ आधा घंटा मंथन किया, केंद्र की नीतियों घर घर पहुंचाने को कहा। हैदराबाद में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट सस्पेंड, बीजेपी विधायक टी राजा भेजे गए जेल, ओवैसी की शांति की अपील। एलओसी पार कर रहे 3 आतंकी मारे गए, एक फरार, जम्मू कश्मीर में 5 दिन में घुसपैठ की तीसरी घटना, बंदीपोरा लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। तेजस्वी बोले हिम्मत है तो सीबीआई खट्टर पर कार्यवाही करे, कहा सीबीआई मेरा मॉल पकड़ने गई थी, मैंने भाजपा वालों का मॉल पकड़ लिया। पीएमएलए के 2 नियमों का रिव्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस भेजा, कहा मनी लॉन्ड्रिंग बर्दाश्त नहीं पर दोबारा विचार की जरूरत। सोनाली फोगाट की मौत में हत्या का केस दर्ज, पोस्टमार्टम में चोट के कई निशान मिले, पीए सुधीर और सुखेंद्र गिरफ्तार। आगरा यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी कैमरे में बंद कर जुर्माना, ऑटो ने कहा विश्वविद्यालय कर रहा है नकल की लीक लाइव। चंबल नदी ने जलस्तर के कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़े, इटावा में बाढ़ से तटवर्ती इलाकों में मुसीबत, एसडीआरएफ टीम तैनात। नोएडा के फेजदो में गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में आग, आग को ऊपरी हिस्से कंटेन पर बुझाया गया, लाखों का माल जला। बिजली मीटर से स्टोर बिली रीडिंग हो सकती है कार्यवाही, रायबरेली में ऊंचाहार डिवीजन का मामला, जिम्मेदारों से मांगी गई रिपोर्ट।
फिरोजाबाद में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, 13 अपराधी जिला बदर, 8 के शस्त्र लाइसेंस निरस्त। बांदा में संदिग्ध स्थानों पर पुलिस का पैदल मार्च, एसपी अभिनंदन के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च किया। झांसी में रिंग सेरेमनी से पहले युवक ने लगाई फांसी, मां के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने फंदे से उतारा, 2 दिन बाद दम तोड़ा। वाराणसी में डेंजर लेवल के करीब पहुंची गंगा, वरुणा उफनाई, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वतंत्र देव सिंह ने बांटी राहत सामग्री। यूपी के अयोध्या में अब 9वीं कक्षा में होगा 100% दाखिला, दाखिला न लेने वाले छात्रों को यूनिक आईडी नंबर की जाएगी पहचान। प्रयागराज में मसाला कारोबारी का मर्डर, दुकान बंद करके बाइक घर जा रहा था, सड़क पर लाश पड़ी मिली, सिर से बह रहा था खून। मऊ में शिक्षक को कार से खींचकर पीटा, ये स्कूल से निकले गए छात्रों ने साथियों के साथ मिलकर किया हमला, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। बस्ती सड़क हादसे में सीएम योगी के एसओडी की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल, सीएम ने जताया दुख, गोरखपुर से आ रहे थे लखनऊ। फतेहपुर में बाढ़ के पानी से कोट मार्ग बंद, पुलिस के निगरानी में चल रहा है 3 नाव, सवारियों की संख्या किया गया निर्धारित। भदोही में खतरे के निशान से करीब पहुंची गंगा, तटवर्ती इलाकों में सड़क तक पहुंचने लगा पानी, बाढ़ राहत चौकियों को किया गया अलर्ट। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ एक बदमाश, दूसरा साथी फरार। बाराबंकी कृषि कार्यालय में करोड़ों का घोटाला, डीडी ने पद पर रहते हुए योजनाओं में बड़ी हेराफेरी, किसान नेता ने किया खुलासा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम, राहत नहीं चलेगा हेट स्पीच देने का मुकदमा। आगरा में पेट्रोल बचाने को कबाड़ से बनाई ई बाइक, साइकिल का हैंडल और लूना की लगाई बॉडी, रिश्तेदार ने मांग पर अपने किया प्रमोशन। चौथे राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू, 15 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन, डीएम ने लोगों को चिन्हित किया। विंध्याचल के मिर्जापुर में बेखौफ नशे के सौदागर, पुलिस की चौकसी में लगा रहा सेंध, अभियान में भी बच गए मौत के सौदागर। फरुखाबाद में डॉक्टर दंपति सहित 15 पर मुकदमा दर्ज, डॉक्टर दंपति ने पत्रकार सहित 3 लोगों पर मारपीट और लूटपाट का केस दर्ज कराया। ग्रेटर नोएडा जेल में तैनात सिपाही लापता, जेल से डाक देने पहुंचा था कोर्ट, इसके बाद वापस नहीं लौटा। उन्नाव में ट्रेन से गिरकर पूर्व सभासद की मौत, स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुआ हादसा, निधन से क्षेत्र में शोक की लहर। फरुखाबाद बसपा नेता की पुलिस ने की कार जब्त, गैंगस्टर के मुकदमे में बसपा नेता मैनपुरी जेल में है बंद। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने ट्रैक्टर से ढहाए मकान, पीड़ित ने कार्रवाई की लगाई गुहार, एसपी ने पुलिस कर्मियों को किया लाइन हाजिर।
जालौन के बाढ़ में मौत का लाइव वीडियो आया सामने। जालौन में ट्रक पलटा, 6 घंटे में धीरे धीरे डूबा खलासी, ग्रामीण बचा नहीं पाए। सहारनपुर में पुलिस के सामने खूनी संघर्ष, राशन डिपो के चार्ज को लेकर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे, हथियार पुलिस दिखाई असहाय। गाजीपुर में युवक का मिला लुलुहान शव, प्राइवेट स्कूल के पड़ा था पीछे, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ललितपुर में राज्य मंत्री के पुत्र और पुलिस कर्मियों में मारपीट, श्रम एवं स्वयं सेवा योजना राज्य मंत्री है मनोहर लाल पंत। गोंडा में आधा दर्जन युवकों ने की मारपीट, नशे में धुत थे युवक, पुलिस सामने खड़ी होकर बनी रहे तमाशबीन। उत्तराखंड में महिला आरक्षण पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने लगाया कमजोर पैरवी का आरोप, भाजपा बोली सरकार निकाल लेगी रास्ता। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कई घंटे पूछताछ में हाकम ने उगले कई राज, अब केंद्रपाल पर शिकंजा कसने की तैयारी। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय बैठक समिति की बैठक, सीएम धामी बोले 1-2 लाख के लोन के लिए क्यों लगाने पड़ते हैं चक्कर। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के सवाल पर सीएम बोले युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़, सभी विकल्प खुले। हरिद्वार में साध्वी सजदानंद बनी निरंजनी अखाड़े की मां, मंडलेश्वर पंचमेश्वर की उपस्थिति में हुआ पट्टाभिषेक। उत्तराखंड में निर्मल अखाड़ा विवाद, पुलिस पंजाब में दे रही है दबिश और फरार, अहमद हरिद्वार पहुंचा कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता के आगे छलका युवाओं का दर्द, बोले मानकों में बहुत अंतर, भर्ती से हुआ मोह भंग। उत्तराखंड के जौनसारी लोक गायिका संजना की संदिग्ध हालत में मौत, खिड़की की ग्रिल पर फंदे से लटका मिला शव। उत्तराखंड में दून से अल्मोड़ा अब सिर्फ 1.5 घंटे का सफर, सीएम धामी ने किया हवाई सेवा का फ्लैग ऑफर। उत्तराखंड में सामने आया चौंकाने वाला मामला, बांग्लादेशी महिला 1 साल में ही बन गई ऋषिकेश की वोटर। उत्तराखंड के रुड़की में दुष्कर्म के बाद किशोरी को दिया जहर, पुलिस ने 2 युवकों पर दर्ज किया मुकदमा। उत्तराखंड के हरिद्वार में लोन चुकाए बिना संपत्ति बेचकर 52 लाख की धोखाधड़ी, देहरादून की 2 महिलाओं को बनाया शिकार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में खाई में गिरी पिकअप, चालक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। उत्तराखंड के देहरादून में रेड घोटाले, कृषि उपकरण सप्लायर को 2.5 साल कैद, स्पेशल जज सीबीआई ने सुनाया फैसला। उत्तराखंड के अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट, गंगोत्री हाईवे खुला। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को मिली सऊदी अरब का सहारा, 1 बिलियन USD निवेश का ऐलान किया।
चीन से ताइवान के बीच अमेरिकी सीनेटर फिर पहुंचे ताइवान, राष्ट्रपति ट्वाइनसिंग इनवेन कई मुद्दे पर की चर्चा। जयशंकर ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से की मुलाकात, भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल दुर्घटना पर भारत की जांच की खारिज, दोहराई संयुक्त जांच की मांग। दक्षिण कोरिया का रूस के साथ बड़ा सौदा, परमाणु बिजली संयंत्र के लिए बनेंगे कल पुर्जे। टेक्सास में भारतीय महिलाओं पर नस्लीय हमला, मैक्सिकन अमेरिकन महिला ने गालियां दी, थप्पड़ भी मारा। तेल के कुओं से अपना खर्च चलाती टेक्सास यूनिवर्सिटी, 250 कंपनियों को कुएं लीज पर दिए, इनसे रोजाना 48 करोड़ रुपए की कमाई। टेररिज्म केस में इमरान को 1 सितंबर तक बेल, 21 अगस्त को जारी हुआ था वारंट, जज पुलिस अधिकारियों को धमकाया था। भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ वोट किया, जेलेंस्की को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भाषण का न्योता, तारीख तय नहीं। मंकी पॉक्स के मामले में 21% गिरावट, एक महीने बढ़त के बाद पिछले हफ्ते मरीज घटे 60%, केस नॉर्थ साउथ अमेरिका में सीमित। $2000 पर्सनल लोन ऐप ब्लॉक, ज्यादा ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस और अपमानजनक शर्तों पर देते थे लोन, प्ले स्टोर की पॉलिसी नहीं मान रहे थे। बाईस में वेन्यू इनलाइन से उठा पर्दा, बुकिंग शुरू, वेन्यू इनलाइन की कीमत का ऐलान 6 सितंबर को होगा। टीसीएस के शेयर मार्केट में 18 साल पूरे 1,00,000 के निवेश को बनाया 30,00,000 रुपए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। बजाज सीटी 125 सीसी इंजन के साथ लॉन्च, अब फोन चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट मिलेगा, कीमत 7,145 रुपए से शुरू। एचडीएफसी बैंक में एफडी पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न, बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। फाइव पर आईटी मिनिस्टर का बड़ा ऐलान, देश में 5G सेवा की कीमतों में अफोर्डेबल होंगी, आम आदमी भी 5G सेवाओं का लाभ ले पाएगा। सिंगापुर की कंपनी सिंगटेल की 3% 3-3 हिस्सेदारी खरीदेगी भारत टेलीकॉम, 12,895 करोड़ रुपए में डील। क्रिप्टो मार्केट में आया सुधार, बिटकॉइन एथर समेत लगभग सभी टोकनों में बढ़त। ईरान में गैर कानूनी क्रिप्टो माइनिंग के कारण जब्त हुए हजारों माइनिंग इक्विपमेंट, क्रिप्टो माइनिंग के खिलाफ ऑथोरिटी ने चलाया अभियान। जेमिनाई एक्सचेंज से वेल ने ट्रांसफर किए 4,000 BTC, किंग प्लेटफॉर्म वेल अलर्ट ने ट्रांजैक्शन का किया खुलासा। पैंतीस साल का हूं, 75 का नहीं, इंडिया ए में नहीं चुने जाने के बाद सोशल मीडिया पर झलका वेटरन क्रिकेटर शेल्डन जैक्सन का दर्द।
रैकी रेड्डी चिराग शेट्टी का नेडल पक्का। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जापान की डिफेंडिंग जोड़ी। पंजाब में किंग्स ने मुख्य कोच अनिल कुंबले को अनबंद को बढ़ाने का किया फैसला। पूरी प्रक्रिया के तहत फिर से चुन जाएगा नए कोच। चोट के कार बाहर होने के बाद शाहीन अफरीदी टीम के साथ पहुंचे यूएई। बाबर आजम के अनुरोध पर अफरीदी गए यूएई। भारत पाकिस्तान महामुकाबले में नए रंग में दिखेगी टीम इंडिया। जडेजा ने शेयर किया नया अवतार। मोहम्मद अली स्टीवन करी से हुई सेरेना विलियम्स की तुलना। दिग्गज बोले सेरेना ने दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित किया। मुंबई एयरपोर्ट पर इरफान पठान के साथ बदसलूकी। काउंटर पर 1.5 घंटे तक खड़ा रखा। क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर भी टी आ बताई। चोटिल शाहीन अफरीदी युजवेंद्र चहल को देखते ही उठ खड़े हुए, बताए कब तक फिट हो जाऊंगा। प्रैक्टिस के बाद मस्ती के मूड में दिखे कप्तान रोहित शर्मा। फैंस को खूब पसंद आया उनका यह अंदाज। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार टीम इंडिया। विराट रोहित ने साथ में की बैटिंग। अनुपम खेर ने साउथ फिल्मों को बताया बॉलीवुड से बेहतर। साउथ वाले कहानियां बता रहे हैं, हम यहां स्टार्स को बेच रहे हैं। नागार्जुना की तेलुगु फिल्म द घोस्ट का ट्रेलर रिलीज। एक्शन ड्रामा में किलिंग मशीन के रूप में दिखेंगे। जीरो का बीटीएस वीडियो सामने आया। रेड चिलीज ने शेयर किया शाहरुख और कैटरीना का पुराना वीडियो। अग्निहोत्री ने कार्तिक आर्यन के साथ शेयर की फोटो। लिखा दो स्मॉल टाउन आउटसाइडर जिन्होंने अपनी शर्तों पर नाम बनाया। यूएस नेवी की डिनर पार्टी में बॉलीवुड सॉन्ग का तड़का। कल हो न हो टाइटल ट्रैक गाते नजर आए ऑफिसर करण जौहर ने किया रिएक्ट। केके की बेटी तमारा और बेटे नकुल का लाइव कॉन्सर्ट। पब्लिक ने पहली बार गाना गाया। बेटी ने लिखा इमोशनल नोट, कहा काश हमारे साथ पापा भी होते। आर बाल्की की फिल्म चुपकी रिलीज डेट हुई अनाउंस। बतौर म्यूजिक कंपोजर अमिताभ बच्चन करेंगे ऑफिशियल डेब्यू। एसएस राजमौली ने की ब्रह्मास्त्र की तारीफ। बोले आयान मुखर्जी ने दुनिया बनाई, उसे बनाना आसान नहीं था। कार्तिक आर्यन को देख इमोशनल हुए फैन। एक्टर ने गले लगाकर चुप कराए फैंस को। जमकर तारीफ हो रही है। अमिताभ बच्चन ने खुद को बताया हेल्पलेस। सोशल मीडिया के जरिए दिया हेल्थ अपडेट। बोले आखिर में कोरोना जीत गया। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।